नाम की जरूरत नहीं है, हमको काम की जरूरत थी, उस काम को हमने किया। 25 बार मैं जेल गया राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, राम लला का भव्य मंदिर निर्माण हो इसके लिए हम नींव के पत्थर का काम करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि नींव में जो दिखाई नहीं देता है वही दीवार को मजबूत बनाता है। क्या लगता है कि सरकार ने नाम को जो नाम चयन किए गए हैं उसमें जल्दीबाजी कर दी है? नहीं नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं किया है, विचार पूर्वक किया है और बहुत अच्छे ढंग से नाम की घोषणा किया है। जिन जिन लोगों के नाम की घोषणा किया है मैं उन सभी नामों का समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के जिस नाम की घोषणा किया है, संघर्षरत थे, और हमारे हरिद्वार के स्वामी परमानंद के नाम की घोषणा किया था, वो भी मेरे साथ हजारों यात्राओं किया है राम जन्मभूमि आंदोलन में, और गोविंद गिरिदेव जो महाराष्ट्र के पूना के रहने वाले हैं उन्होंने भी मेरे साथ कदम से कदम मिला करके राम जन्मभूमि आंदोलन में आगे आए हैं, और के पराशरन तो आश्चर्य कर दिया है, इस अवस्था में भी 6-6 घंटे खड़े होकर, 8-8 घंटे खड़े होकर, और उन्होंने जजों के सामने रामलला के ऐतिहासिक पक्ष को, सांस्कृतिक पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को ये जजों के सामने रखा, जिसके लिए जज महोदय ने कहा भी कि आप बैठ जाइए मैं आपके लिए कुर्सी उपलब्ध कराता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं न्याय और न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैं खड़े होकर बहस करूंगा। इसलिए के पराशरन के जिस नाम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं नहीं, देखिए मेरा नाम दर्ज हो या ना हो इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, दुख नहीं है, हमको तो प्रसन्नता है कि ट्रस्ट की घोषणा हो गई, हमको प्रसन्नता है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी उस ट्रस्ट में लिए गए, हमको प्रसन्नता है कि हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज को उस ट्रस्ट में रखा गया, हमको प्रसन्नता है कि के पराशरन को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, ये मुझे प्रसन्नता है, और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संत लोग इसका समर्थन करें। अयोध्या के संतों ने समर्थन किया है, अयोध्या के महात्माओं ने समर्थन किया है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन किया है, मैं भी समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं इस ट्रस्ट में जिन लोगों ने बलिदान किया है, माननीय अशोक सिंघल जी, महंत अवेदनाथ जी, स्वामी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, उडुपी के मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज, ऐसे लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और उनकी कृपा से ही सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को नाम नहीं दिया गया है, ये कोई आवश्यक नहीं था कि सबका नाम उसमें आ जाए। हम लोग नींव के पत्थर हैं, दिखाई भले नहीं देंगे लेकिन काम हम करेंगे, मजबूत दीवार बनाएंगे, हमारे ऊपर दीवार मजबूत बनेगी और दीवार को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं ये मंदिर ऐसा बने जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर हो, जो इस्लामाबाद से दिखाई दे, कराची से दिखाई दे, लाहौर से दिखाई दे, श्रीनगर से दिखाई दे, लंका से दिखाई दे, काठमांडू से दिखाई दे, कलकत्ता से दिखाई दे, दिल्ली से दिखाई दे, ऐसा मंदिर हम चाहते हैं। और वो मंदिर बने और उस मंदिर की यदि नींव का पत्थर हमको सरकार चाहे तो हमको राम जन्मभूमि मंदिर के नींव के अंदर लगा दे, मेरी लाश को लगा दे, मेरे शरीर को लगा दे, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हमारी इच्छा है।